अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ आज हमारा जो है वो फोर्थ लेक्चर है। और लास्ट टाइम हमने इस सिंपल पार्ट के जो पॉकेट है इसकी प्रोग्रामिंग देखी थी, किस तरीके से हमने वॉल्यूम मिलकर टूल यूज़ करते हुए रफिंग ऑपरेशन जनरेट किया था। आज मैं आपको इसी पॉकेट की फिनिशिंग की सीक्वेंस वॉल्यूम मिल से ही बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जितने भी यहाँ पर टूल्स मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स जो है वो रफिंग ऑपरेशंस के लिए ही सॉफ्टवेयर में रखे गए हैं, लेकिन उनसे आप फिनिशिंग की भी ऑपरेशंस जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे टूल्स जो हैं वो फिनिशिंग के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे, लेकिन उनसे आप रफिंग के ऑपरेशंस भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि पार्ट की ज्योमेट्री कैसी है। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो ये प्रोग्राम जनरेट किया था, प्ले पाथ करके हम इसको देख लेते हैं। ये एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने 0.5 का स्टॉक अलाउंस फ्लोर पर और वॉल पर जो है वो ड्रॉप किया था। और पोजीशंस दिखा देता हूँ मैं यहाँ से आपको। और आज हम इसी की फिनिशिंग सीक्वेंस देखेंगे, और इसमें जो फीड के ऑप्शंस हैं वो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो इसी प्रोग्राम की एडिट डेफिनेशन में मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर हम आ जाते हैं पैरामीटर विंडो के अंदर, ठीक है? पैरामीटर विंडो के अंदर बेसिक पैरामीटर्स में हमने फीड डिफाइन की थी, स्टेप ओवर डिफाइन किया था, स्टॉक अलाउंस डिफाइन किया था ये, और स्टेप डेप्थ हमने 0.5 रखी थी, और क्लियरेंस डिस्टेंस 5 और आरपीएम डिफाइन किए, जिसमें मैंने आपको रेकमेंड किया था कि फीड और आरपीएम आप अपने टूलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कैटलॉग से देख के यहाँ पर पुट करें वैल्यूज़। अच्छा, इससे पहले हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर कि जब भी हम रफिंग करेंगे तो रफिंग में किसी भी तरह की ड्राफ्टेड वॉल हो, स्ट्रेट वॉल हो, फ्लैट फेस हो या 3D फेस हो, तो वो एज अ होल उसको मशीनिंग कर देता है। और जब भी फिनिशिंग की सीक्वेंस बनाएंगे हम सेपरेट ज्योमेट्रिकल शेप को जो है वो उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम बनाएंगे। मिसाल के तौर पे ये वॉल जो है ये स्ट्रेट वॉल है बिहेवियर वाइज, तो इसका एक अलग प्रोग्राम बनेगा, ये आपस में सारी कनेक्टेड है। और इसी तरीके से ये जो फ्लोर है, ये फ्लैट फेस जो है, इसका एक अलग प्रोग्राम बनेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो मैं इन फेसेस को कंट्रोल की दबा के सेलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लू कलर कर दिया, ठीक है? और इसी तरीके से फ्लोर के लिए मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब अगर ये जो हमारा प्रोग्राम था जो हमने वॉल्यूम मिलिंग से बनाया था, और इसमें रेफरेंस ज्योमेट्री हमने मिल विंडो डिफाइन की थी, यानी एक स्केच किया था, और उस स्केच के अंदर ही टूल जो है वो मशीनिंग करता गया, यहाँ तक के उसको सॉलिड फेस या सॉलिड प्रोफाइल्स नहीं मिल गई, और 0.5 का गैप देके जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, किस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। टूल पोजीशन का ऑप्शन मैंने बताया था यहाँ पर, ये लाइंस जो है, जो पाथ आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली टूल का सेंटर आपको दिखाएगा, ठीक है? अच्छा, टूल का सेंटर जब आपको दिखाएगा, मैंने यहाँ पे वो एक पोजीशन डिफाइन की, तो आप देखें कि लास्ट जो पाथ चल रहा है उस पर टूल की जो पोजीशन है उससे एक्चुअल जो हमारी टारगेट वॉल है इन दोनों के दरम्यान गैप है, और ये वही गैप है जो हमने डिफाइन किया था 0.5, ठीक है? और इसी तरीके से अगर मैं आपको फ्लोर का व्यू दिखाऊं, तो फ्लोर के व्यू में भी यहाँ से टूल पोजीशन में एक्टिव करता हूँ, वायर फ्रेम में हम देखते हैं, तो ये जो है वो लास्ट पाथ था यहाँ पर,
और टूल ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने वायर फ्रेम किया हुआ, तो टूल यहाँ तक गया है। एक्चुअल जो वायर, ये वाला वायर जो आपको नज़र आ रही है, हमारे फ्लोर का वायर है, यानी फ्लोर की लास्ट एज आपको नज़र आ रही है, और इन दोनों के दरमियान 0.5 का जो अलाउंस है, वो जो हमने वैल्यू डिफाइन की थी वो है, ठीक है। यानी टूल हमारा कम्प्लीटली फ्लोर तक नहीं आया है, 0.5 ऊपर है। और इसी तरीके से टॉप व्यू में भी हमने देखा कि लास्ट जो भी ये पाथ बन रहा है सेंटर, इस पर अगर टूल की पोजीशन डिफाइन करते हैं तो वॉल से 0.5 ऑफसेट ये टूल, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने प्रोग्राम बनाना है, और वॉल्यूम मिल से ही कैसे आप सेपरेट जो है वो इस वॉल को मशीनिंग कर सकते हैं और इस फ्लोर को मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स में आएंगे, और पैरामीटर्स में आने के बाद आपने यहाँ से जो रफिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये डिफरेंट है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें, बल्कि इसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ प्रोफाइल कर देंगे, अच्छा याद रखें प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल बेसिकली मॉडल की वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो आपकी जेड एक्सिस से अलाइन है, ठीक है। और वो ये वॉल है ब्लू वाली, ये प्रोफाइल दें। जब मैं प्रोफाइल ओनली कर लूँगा और ओके करता हूँ और प्ले पार्क करके देखता हूँ, तो हमारा टूल इस वक्त सिर्फ आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल के ऊपर ही चल रहा है, और प्रोफाइल तक चलने के बाद ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, ठीक है। तो बहुत इजीली आपने एक ऑप्शन को यूज़ करते हुए रफ में जाके आपने डायरेक्ट प्रोफाइल ओनली कर देना है। तो जितनी भी प्रोफाइल्स होंगी इस वक्त यहाँ पर, ये कनेक्टेड प्रोफाइल्स हैं जो ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं आपको, सिर्फ इसी पे टूल चलेगा। तो फिनिशिंग अगर हम कर रहे होंगे तो हम यहाँ से प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस जो है वो ये तमाम अलाउंस आप ज़ीरो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है इसका। इसी तरीके से अगर सिर्फ फ्लोर के ऊपर आपने फिनिशिंग का टूल चलाना हो, तो यहाँ से फेस ओनली करने के बाद आप प्ले पाथ करके देखेंगे तो सिर्फ फ्लोर के ऊपर आपका टूल चलेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शंस को यहाँ से यूज़ करते हुए हमने फेस ओनली और प्रोफाइल ओनली को यूज़ करते हुए हमने इस वॉल्यूम मिलिंग से ही इन दोनों ज्योमेट्री की जो है वो हमने फिनिशिंग की है। अच्छा, एक्चुअल में आपने करना क्या, मैं इसको सेव नहीं करता, यहाँ से कैंसिल करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब एक्चुअल में हमने इसी प्रोग्राम के अंदर ये चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमने इस शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अब दोबारा आपको इस वॉल्यूम रफ के ऑप्शन पे जाके प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोग्राम को आपने कॉपी करना है और यहीं पर ही आपने ये ऑप्शन पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ओके मैं कर देता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए ये यहाँ पर पूरा प्रोग्राम कॉपी हो गया। अच्छा, अब इसको एडिट डेफिनेशन करके, मिसाल के तौर पर फिनिशिंग के लिए आप कोई डिफरेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 10 का एंड मिल, लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, और टोटल इसकी 75 जो है वो आर्बर से बाहर जो लेंथ है वो है 10 का एंड 10, ठीक है। अप्लाई, ओके। टूल भी चेंज कर सकते हैं, और रेफरेंस में हम ये मिल विंडो ही रहने देंगे। पैरामीटर्स में जाके सबसे पहले हम यहाँ से स्टॉक अलाउंस ज़ीरो कर देंगे, फिनिशिंग की जब भी सीक्वेंस चलाएंगे स्टॉक अलाउंस ज़ीरो कर देंगे, और रफ एंड प्रोफाइल ये जो ऑप्शन है, रफ ऑप्शन, इसकी जगह हम कर देंगे नीचे आके प्रोफाइल ओनली, और स्टेप डेप्थ अगर आप कम करना चाहें तो 0.1 कर दीजिए। ओके, प्ले पाथ देन स्क्रीन प्ले, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा जनरेट हो गया है, जिसमें हमने कुछ चेंजिंग किया है, टूल का डायमीटर चेंज किया है, स्टेप डेप्थ चेंज किया है, और प्रोफाइल ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो अब हमारी ये वॉल
फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया फिनिशिंग का। इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद आप दोबारा क्लिक करें तो, और रीनेम कर लें इसको, सीक्वेंस ट्रू कर देता हूँ मैं। और 10 का एंडमिल और लेंथ जो है वो हमारी 75 है, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम बन गया। यहाँ पर ही आप डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं रफ और फिनिश लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसी प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर ही क्लिक किया राइट और पेस्ट कर दिया। इस ऑप्शन में अब मैं डायरेक्ट चेंजिंग कर रहा हूँ, प्रोफाइल की जगह फेस ओनली सेलेक्ट कर लिया है, और स्टेप ओवर यहाँ पे यूज़ होगा तो मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, फिनिशिंग की सीक्वेंस है। ओके, तो अब ये डायरेक्ट जो है वो हमारे फेस पर चलेगा और फेस को फिनिश कर देगा, ठीक है। तो पहले ये वॉल को मशीनिंग कर रहा है, उसके बाद ये अंदर, ठीक है, ये वो टूल पाथ आपको नजर आ रहा है। और इसको भी हम, मैं यहाँ से रीनेम कर दूंगा, सीक्वेंस 03 10 एंडमिल और लेंथ है इसकी जनाब 75, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमने सिर्फ एक जो है वो वॉल्यूम रफ का ऑप्शन यूज़ करते हुए इस पॉकेट की रफिंग भी की है और फिनिशिंग भी की है। रफिंग आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो इस रफ ऑप्शन को यूज़ करते हुए डिफरेंट एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बाकी ऑप्शंस भी इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं इस प्रोग्राम को पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप पोस्टिंग सीख जाएं, ठीक है। सेव अ सीएल फाइल, इस प्रोग्राम को सेलेक्ट किया, सेकंड फाइल एमसीडी फाइल पे चेक लगाया, डन। जो भी लोकेशन है आपने वो डिफाइन की और पोस्ट प्रोसेसर डिफाइन कर दिया, जो कि P12 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये CNC 3 एक्सिस के लिए है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका साइकिल टाइम आ रहा है मिनट्स में, डन। और इसी तरीके से आप ये तीसरा प्रोग्राम भी पोस्ट कर लेंगे। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।